अब तो बस एक ही धुन है। मदरसा साथ दिया सब्सक्राइब। दुनिया समझती है कि ये जो मर जाते हैं माज़ अल्लाह, ये हमेशा के लिए मर जाते हैं, मट्टी का ढेर हो जाते हैं और ये कुछ नहीं कर सकते और कोई मदद नहीं कर सकते और इनसे मदद चाहना जो है वो शिर्क है और इनके मज़ारों पर जाना और हाजत रवाई के लिए फरियाद करना ये शिर्क है। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हों ने दो लफ्जों में कितना बेहतरीन जवाब दिया है। फरमाते हैं कि हाकिम हकीम दादो दबा दें ये कुछ ना दें, हाकिम हकीम दादो दबा दें ये कुछ ना दें। अरे मर्दूद ये मुराद किसायत खबर की है, ये निराला शिर्क है कि हाकिम के पास जाएं मदद चाहे फरियाद चाहे तो शिर्क न हो, हकीम के पास जाए दवा चाहे दरमान की है दवा चाहे और अपने दर्द की दवा चाहे अल्लाह अकबर मुदावा चाहे तो मुशरिक न हो, यह शिर्क न हो अल्लाह अकबर। और हम उन औलियाए किराम की बारगाह में चले जाए जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान करीम में जो है ऐसा जिंदा फरमाया है और ऐसा जिंदा जावेद फरमाया है कि कयामत तक उनकी जिंदगी पर रजिस्ट्री फरमा दी कि वो हमारी हजरत कुर्ब में पहुंच गए तो ऐसे हो गए कि उनको न किसी बात का खौफ है न उनको किसी बात का रंग है। अल्लाह अकबर, ये क्या है? ये महबूबियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का पूरा परतव डाला है गुलामाने मुस्तफा पर। अल्लाह अकबर, कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाह करके हमारे महबूब हो गए और जब हमारे महबूब हो गए तो उनको न इस बात का डर है, कि वो गुलामों के लिए दुआ करेंगे तो कबूल नहीं होगी, न इस बात का उनको रंज है, अल्लाह अकबर। उनका उनकी ये उनका ये आलम है कि जो उनके महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का आलम था कि हजरत आयशा फरमाती हैं मा अरा रब्बका इल्ला युसारिउ फी हवाक, मैं तो तुम्हारे रब को ए मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसा देखती हूँ कि जो तुम चाहते हो जल्दी वो फरमा दिया करता है। अल्लाह अकबर, तो ये किसके महबूब हैं? मुस्तफा के महबूब हैं सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। इनको भी जो है अल्लाह अकबर अमनो अमाने दाइनी की बिशारत है, अल्लाह अकबर। और महबूबियत की इनको बिशारत है कि ये हमारे महबूब हैं, इनको न किसी बात का रंज है न इनको किसी बात का खौफ है। बड़ा दुरुशी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद मअदद الجود والكرم व आलिही व सहबी व बारिक वसल्लम। और जो ये समझते हैं कि रसूल करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु तबाराक व तआला अलैहि वसल्लम माज़ अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए और जो उनके औलियाए किराम को मट्टी का ढेर समझते हैं, खुदा की कसम वो अपनी ही हकीकत नहीं समझते हैं, वो अपनी ही हकीकत नहीं समझते। अल्लाह अकबर, अगर वो अपनी हकीकत समझे होते हैं तो ये ऐसा न कहा होता। और उन्होंने हजरते औलियाए किराम के मुतालिक ऐसा कह करके हजरते औलियाए किराम का कुछ नहीं बिगाड़ा हैं, बल्कि अपना ईमान बिगाड़ा है हैं, और अपनी हकीकत से उन्होंने बेखबर होने का हैं पता दिया है। और उन्हें यही नहीं मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को कैसा कमाल वाला बनाया है और कैसी कैसी हैं कैसी कैसी बुलंदियों का और कैसे कैसे कमालात की उसको सलाहियत अता